हमारे जीवन में रंगों का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि रंग वो नहीं हैं जो वो दिखते हैं, रंग वो हैं जो वो छोड़ देते हैं। इसका अर्थ बहुत ही वैज्ञानिक है। ये माना जाता है कि रंग सिर्फ लाइट में होता है, प्रकाश में होता है, रंगों में रंग नहीं होता। असली रंग तो वो है जो बिखेरने के बाद बच जाता है, यानी कि जो हमें दिखता है वो असली नहीं है, और जो दिखता नहीं है वही तो असली चीज़ है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे मानवता है। मानवता में जो चीज़ हम बिखेर देते हैं वही हमारे गुण हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो चीज़ हम किसी में बांटते हैं, जो चीज़ हम किसी को दे देते हैं, वो हमारे गुणों में शुमार हो जाती है, और वही हमारा असली रंग है, वही हमारा असली चरित्र है। सदियों से हम इस बात के लिए आतुर रहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हो, प्रत्येक दुख को सुख में बदलने के लिए प्रयास किए जाएं, और जब हम इन प्रयासों में सफलता हासिल करते हैं तब हम आतुर हो जाते हैं इस विजय को मनाने के लिए एक उत्सव के रूप में। होली इसी उत्सव का नाम है। होली का ये त्यौहार प्रत्येक वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा से प्रतिपदा के मध्य में मनाया जाता है। होली के रंग हमें केवल लुभाते ही नहीं, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर भी असर डालते हैं। कलर थेरेपी में इसका बहुत अधिक महत्व माना गया है। आजकल तो कलर थेरेपी से बहुत सारी चिकित्साएं भी की जाती हैं, यानी कि हेल्थ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। इससे सेहत को ठीक करने के लिए अलग अलग विधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो जीवन में रंगों का विशेष महत्व माना गया है। होली का त्यौहार आ रहा है और हम आज जानेंगे विभिन्न राशियों के हिसाब से आप किस प्रकार रंगों को इस्तेमाल करें ताकि वो रंग आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी उन्नति के लिए आपको मजबूती प्रदान करें। इस प्रकार से आप रंगों का इस्तेमाल करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ उठा पाएं। चलिए आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मीन राशि की। मीन राशि भी बृहस्पति की राशि मानी जाती है। जिस प्रकार से धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, उसी प्रकार से मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति ही माने गए हैं। बृहस्पति की राशि होने के कारण ऐसे व्यक्ति बहुत ही उदार, बहुत दयालु और वफादार और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। मीन राशि जल राशि है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों में सहानुभूति और भावनात्मक गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मीन राशि के लोगों की एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा जज्बाती ना होकर भी ये क्षमाशील रहते हैं, इसलिए मीन राशि को सबसे ज़्यादा सहिष्णु राशि माना जाता है। पीला रंग गुरु का सर्वश्रेष्ठ रंग माना जाता है। पीले रंग से मीन राशि के लोगों को होली खेलनी चाहिए। अगर वो इसके साथ साथ हरा रंग और गुलाबी रंग भी इस्तेमाल करते हैं तो और भी ऐश्वर्य की प्राप्ति उन लोगों को होती है। जल तत्व की राशि होने के कारण ऐसे लोगों को, यानी कि मीन राशि के लोगों को, जल से होली ज़रूर खेलनी चाहिए। जल में आप हल्दी को मिला सकते हैं, केसर मिला सकते हैं और केसर से बने हुए पेय पदार्थ भी ले सकते हैं और दूसरों को पिला भी सकते हैं। ऐसा करने से होली के अवसर पर आपको ज़रूर लाभ होगा, आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। इस प्रकार से होली के समय पर अगर आप इन रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में कई तरह के रंग और उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि आपको कई तरह के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। ये विशेष अवसर है जिस समय पर ग्रहों का संयोग इस प्रकार का होता है। जब आप रंगों का इस्तेमाल अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस बार यानी कि 2019 में होली का जो त्यौहार है, जिसे धुलेंडी बोला जाता है और जिसे रंगों का त्यौहार भी बोला जाता है, जिस दिन रंग खेले जाते हैं, वो 21 मार्च को पड़ रहा है, और जिसे छोटी होली बोला जाता है, यानी कि होली का दहन जिसे बोलते हैं, वो 20 मार्च को पड़ रहा है। इस बात में लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि होली किस दिन है, खेलने वाली होली किस दिन है और होली का दहन किस दिन है। तो 20 मार्च को होली का दहन रहेगा और 21 मार्च को रंग खेलने वाली होली मनाई जाएगी। तो इसी प्रकार अगर आप रंग खेलते हैं, जो जैसे बताया गया है राशियों के अनुसार आप रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपके जीवन में उन्नति आएगी, तरक्की मिलेगी, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। इसी प्रकार से विभिन्न राशियों के लोग होलिका दहन पर ऐसा क्या करें, किस चीज़ से पूजा करें जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियोज़ डाल रही हूँ, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें और आप ये
पहले से ही नोट करके रख लें कि किस प्रकार से आपको होलिका दहन में पूजा करनी है। इस पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है और आप अपने जीवन को बहुत जल्दी सुधार सकते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूरा कर सकते हैं। इन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। माना जाता है कि अगर आप होलिका दहन की पूजा करते हैं तो ऐसे में आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती हैं, आपकी बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती हैं और अगर आप अपने शरीर में अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन ज़रूर करना चाहिए और उस पूजा के साथ साथ उसकी राख भी आपको घर पर लाकर रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाती हैं। इसलिए अगली वीडियोस में मैं आपके लिए ज़रूर ये लेकर आऊँगी कि किस प्रकार से हर राशि के व्यक्ति को होलिका दहन में पूजा करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चढ़ाई जा सकती हैं जिससे उनके घर की नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल दूर हो जाए, उनके स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आर्थिक उन्नति हो। इस प्रकार की अलग अलग वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आती रहूंगी। इसके साथ साथ अगर आप अपना दैनिक राशिफल जानना चाहते हैं, आप अपना साप्ताहिक राशिफल जानना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को देखते रहें। इसमें आपको आपके राशिफल के लिए पूरी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।